हे गाइस, और माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी। तो भैया ये तो मतलब हद ही हो गई। सुबह एक मैंने वीडियो बनाया और उसके बाद मुझे दोबारा सिमिलर टॉपिक पर वीडियो बनाना हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर एनटी ने फिर एक और ऐसा मतलब कुछ ऐसा दिखाया कि मेरा हैरान हो गया। वो मैं आपको भी अभी दिखाने वाला हूँ, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है फिल्लर फॉर्म पे। दोस्तों फिल्लर फॉर्म पे यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो गई, आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और दोस्तों कल आया था हमारा ई सर्टिफिकेट, तो आपको ये स्क्रीनशॉट तो आपको पता ही होगा कि ये वाला मैंने दिखाया। तो उस बारे में हम लोग बात करी थी कि अब जिनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो डिग्री के बाद ही मिलेगा। चलो कोई नहीं, माना। इसका मतलब एनटी ये कहता है कि जो बंदे जिन्होंने भी यहाँ पर यूजीसी नेट का जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। भाई ये क्या है? आप पहले ये कहते हो कि आप ऑनलाइन कर दो, फिर आपको कोई भी नेट नहीं। हम दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर देखिए आपको वाइल मेल आपको सेंड करना पड़ेगा। भाई ये क्या है? मतलब मेरे को हैरानी हुई यार, मतलब एनटीए क्या कर रहा है यार। मतलब पहले ये था कि हाँ भाई हो गया आपका, अब आप इजीली जो भी चीज़ है वो आप लोग करके देख लो, ठीक है, आपका हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा और काफ़ी लोगों का डाउनलोड भी हुआ। यहाँ पर जारे क्वालिफाई बंदा है उससे आप लोग कह रहे हो कि भाई मेल कर दो, आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आपको मेल करना है। पहले ये रूल नहीं था, अब ये नया रूल कहाँ से आ गया? और अगर आप कोई रूल अप्लाई करते तो उसके उसके बारे में ही पहले बता दो ना, ये रूल आने वाला है। अब मेरे पास इनके कॉल्स आते कि सर क्या करें, अब कुछ ही नहीं, अब तो भैया मेल करना पड़ेगा स्टूडेंट, अब उसको पता नहीं कब तक अप्रूवल देगा। यार भाई आप जीआरएफ क्वालिफाई हो, आपको अप्लाई करना है पीएचडी के लिए, आपको अमाउंट चाहिए, आपने मेहनत करी और आप कहते हो मेल भेज दो। तो भैया मुझे तो है ना मतलब समझ भी नहीं आ रहा कि हो गया रहा है यहाँ पर, ठीक है यार, मतलब उम्मीद से भी अलग। तो भाई प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दो यार, इसका कुछ ना कुछ देखना होगा क्योंकि ये चीज़ गलत हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मेल करना होगा इनको, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है, मेल का कब तक रेस्पॉन्स आता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स कीजिए कि क्या करना है और क्या होना चाहिए, और आप भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे एक बार कंफर्म करें। थैंक यू सो मच।